आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आपका अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फिनलैंड। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी की गई विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 142। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश चंद्रयान 3 मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एशिया कप 2024 जीता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, मिशन शक्ति कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी को वर्ष 2024 का अरुणा पुरस्कार मिला है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए समझौता किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिलीपींस। आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 21 जून। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत पहले स्थान पर रहा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने केंद्रीय कानून के तहत गेंडे के शिकार पर प्रतिबंध लगाया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। आपका अगला प्रश्न है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस रेलवे जोन के तहत चलती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्तर रेलवे। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारत के पहले डिजिटल बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस
कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए ग्रीन मास मूवमेंट शुरू किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्य क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने डार्क मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नासा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सिपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2024 में COP29 की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी UAE। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य ने हाल ही में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति लागू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, किस शहर में हाल ही में ड्रोन फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, ब्लू इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का आयोजन हर साल किस राज्य में होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गोवा। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अपनी राजधानी में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 10। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। धन्यवाद।